बोलिया सुंदर है इंडियन सारो बहुत सुंदर सुंदर लगा है सब लोग खुश हो जाएंगे हमारे बिहार वाले भैया से शादी की है आ, बहुत अच्छा है बढ़िया है दोस्तों अभी हम खगड़िया जिले में हैं और मेरे बगल में एक चाइनीज भाभी है भैया जी हैं और ये भाभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं इनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और ये जो शादी जो नए जोड़े हैं जो अभी भी हाथ में मेहंदी चूड़ा और ये मांग टीका सिंदूर और देखिए कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं भैया जी के हाथ में मेहंदी लगी हुई है बहुत ज्यादा प्यारी हैं और हम आपको भाभी बोलेंगे आ, अच्छा है अच्छा है भाभी जी सही है भाभी जी सही है सही है बहुत अच्छा है चलिए तो सबसे पहले हम भैया जी से बात करेंगे भैया जी नाम क्या है आपका राजीव गुप्ता अच्छा राजीव जी ये बताइए आप जो शादी किए हैं बहुत ज्यादा वायरल होने लगे भाई शादी इतना वायरल क्यूँ होने लगा देखिए स्टार्टिंग के टाइम में तो हम लोगों की यही सोच थी कि सिंपल शादी करा जाए हिंदी हिंदू रीति रिवाज से अपना जो इंडियन कल्चर होता है लेकिन हाँ धीरे धीरे सच में ये वायरल होने लगा क्योंकि हमारे जो 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 बहुत सारे जो फ्रेंड जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी बोला कि, तुम्हारे मीडिया पे बहुत ही आ रहा है ठीक है स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि देखिए शादी जब होता है तो दुल्हन को लोग समय देते हैं दुल्हे राजा और दुल्हन को स्पेशली समय देते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता की आप लोग को समय मिल रहा होगा क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं हाँ हाँ क्योंकि हर दिन ही शादी जिस दिन हुए उसके बाद से लगभग लोगों का आना जाना लगा हुआ है जितने भी मीडिया वाले हैं वो लोग सब बहुत इंतजार और मेरे भैया ज्यादातर लोग सब इन्हीं से कांटेक्ट संभाल रहे हैं मीडिया वाले हाँ ये संभाल रहे हैं ज्यादातर इन्हीं से कांटेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे दीजिए शुरुआत के टाइम में तो अच्छा ही लगा कि अरे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारे लोग सब जो है बधाई दे रहे हैं लेकिन धीरे धीरे अभी जब कुछ ज्यादा होने लगा तो लगा कि ये की थोड़ा ये कम भी रहना जरूरी है बिल्कुल कम रहना जरूरी है क्योंकि लोग सवाल भी कुछ अटपटा पूछ दे रहे हैं देखिए हम आएंगे आप लोग के प्यारे से लव स्टोरी पर कैसे मिली कैसे बातचीत हुआ कहाँ मिले ये सारी चीजें हम आपसे जाने क्योंकि आप खगड़िया के भाई जी हैं तो क्या कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग um, हुई 2013 में जब मैं पहली बार चाइना गया था पढ़ाई के लिए उस समय में पहली बार इससे मुलाकात हुई uh, जब स्टार्टिंग में पहली बार मुलाकात हुई तो वो हम सब फ्रेंडशिप के तौर पे दोस्ताना जो दोस्ती रहता है वो uh, क्योंकि पहली बार जब मैं भी चाइना गया था तो मुझे भी चाइनीज लोगों से मिलना जुलना पसंद था नया जगह गया था तो जितने भी चाइनीज दोस्त थे उसमें से एक ये भी थी धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि मुझे भी चाइना में जब मैं था तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी ये अक्सर मेरी हेल्प करती थी मुलाकात ज़्यादा होने लगा समय थोड़ा लंबा बीतते गया उसके बाद 2016 में ही फिर ये इंडिया आई 2016 में ये जब इंडिया आई तो इसे इंडिया भी पसंद आया मेरे फैमिली वालों से भी मिली और तब तक भी हाँ तब तक भी मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ की हाँ शादी उदी का लेकिन फिर मैंने इससे ये जानना चाहगी कि क्या इसे इंडियन कल्चर हमारे फैमिली हमारा जो संस्कार होता है इंडिया के बारे में ये सब पसंद है क्या नहीं मैं देखा इसका पॉजिटिव रिस्पांस था उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा इनिशिएट करा जाए अच्छा तो आपको भाभी में सबसे अच्छा क्या लगा क्योंकि कुछ अच्छा देख ही शादी की है आ, सबसे बहुत सारी चाइनीज लड़की आपको मिली हो हाँ 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 जरूर जरूर सही बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चाइनीज लड़कियाँ थी लेकिन इसमें ऐसा क्या चीज था सबसे पहले तो बहुत ही हेल्पफुल नेचर फ्रेंडली और थोड़ा दिमाग तो तेज है ही है हाँ क्योंकि ये अच्छा खासा इसका जो मेमोरी पावर है तो ये याद रखती है बहुत कुछ सब वो सब और सबसे अच्छा एक और चीज की ये बहुत ही सपोर्टिव थी मेरे साथ हाँ हाँ कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आज आप जिस मुकाम पे हैं कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे हैं चाइना में तो इनके सपोर्ट से हैं मैं श्योर है कि क्रेडिट देना चाहूंगा कितने साल से आप लोग फ्रेंड है जान पहचान तो मैंने जैसे अभी बताया कि 2013 से है लेकिन जो थोड़ा सीरियसनेस आया वो जब ये पहली बार इंडिया आई थी 2016 उसके बाद से थोड़ा सा सीरियस बात है मतलब चाइना से इंडिया आई इनके घर पे आई इनके परिवार वालों से मिली और सबको बहुत अच्छा लगा बहुत तो मिलजुल के रहने वाली एक चाइनीज लड़की बहुत प्यारी सी कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके यह ये बताइए बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है हिंदी कब सीखी Uh, हमारा शेफ हमारा इंडियन रेस्टोरेंट चालू है ना इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती है हाँ uh, uh, बहुत uh, uh, समझ में आता है क्योंकि हमारा बोली अच्छा नहीं है लिसनिंग इज़ ओके सी कैन बोली बढ़िया आ, लेकिन स्पोकन उतना ज्यादा कोई नहीं। बात नहीं ऐसे बिहार आते जाते रहेगा हम लोग आपको बढ़िया से हिंदी सिखा दे अच्छा है ये सच में है सही है एक चीज बताइए आप यहाँ पर आई है हमारे बिहार खगड़िया में तो आपका जो अभी लुक है जैसे आप चुन्नी ओढ़ी हुई हैं सिंदूर लगाई हुई हैं चूड़ा पहनी हुई हैं तो ये हम लोग की तरह ठीक है तो ये कल्चर आपको चाइना में तो नहीं मिलता होगा वहाँ पे तो अलग तरीके से शादी होती है नहीं अलग, अलग 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 हाँ बहुत डिफरेंट है मतलब किस तरीके से अलग है ये हम में भी है क्या है ये गोल्डन वाला सब गोल्डन गोल्डन धंदा है आप आपने का पहना हाँ हाँ लेट हो लेट हो क्या है वेस्टर्न है वेस्टर्न है ये वेस्टर्न वाला ड्रेसिंग है वेस्टर्न वाला सूट है क्या है ड्रेसिंग हमारा क्या है रिलेटिव्स फ्रेंड्स फैमिलीज़ साथ में खाना का चीज है साथ में खाना है साथ में खाना हाँ रेस्टोरेंट में साथ में खाना है थोड़ा थोड़ा गिफ्ट है ये क्या है रेड पैकेट बदा है रेड पैकेट आ, मतलब इनके कहने का मतलब है चाइना में जो शादी का जो तरीका होता है वो आ, वेस्टर्न स्टाइल वाले हो गए कि सारे लोग सब थोड़ा रेस्टोरेंट में गए साथ में थोड़ा खाना पीना खाये और कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं रेड पैकेट बोला जाता है जो इन्वेलप जो जिसमें पैसे रहते हैं तो वो सारे लोग सब थोड़ा दे दिए हाँ बस शादी दो से तीन घंटे के अंदर का हाँ वो रहता है अच्छा तो अभी आप अपने आप को मिरर में देख रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है <laughs> कुछ तो अलग लग रहा है ना <laughs> अलग अलग हाँ. हमारे यहाँ इंडिया में जो सिंदूर है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है बिछिया हो पैर में हम पहनते उसका महत्व बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत सुंदर है ना या सच सच में ना बता रही आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं और सच बता रही बात करके बहुत मजा आ बहुत इंडियन है मजा रहा है। बहुत तो आपके आसपास जो रिलेटिव हैं जो लोग हैं आप समझ रहे हैं कि वो कौन 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 है ये ये कौन लगते हैं आप ये गोलू है कौन लगते हैं भाई हम बुआ का भा है ये काका जी क्या लगते है? आ, मसा जी आपके मसाज और ये भैया हाँ भैया हमारा भैया है चलिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है भैया फैमिली को पहचान रही है वीडियो में हम देखे थे कि नाम भी आप सबका जानते आ, नाम सब दिमाग अच्छा है ना इसलिए है एक सवाल बहुत प्यारा सा पूछेंगे कि जब आपको इनसे प्यार हुआ ठीक है तो इनमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा क्या लगा है? से 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 है अच्छा है सुंदर है सुंदर है ना हम आप ज्यादा हम बोलिए सुंदर है ये सरालो सच में इंडियन सरालो बहुत सुंदर सुंदर लगा है ही इज हैंडसम है सबसे अच्छे ये तो सारे सुंदर होते हैं लेकिन इनके नजरों में मैं ज्यादा सुंदर हूँ तो आपको और कौन कौन सुंदर लगा यहाँ पे और नीचे में ही इज टैलेंटेड इज वेरी टैलेंटेड 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 हाँ एंड वेरी क्या है वेरी हार्ड वर्किंग है हार्ड वर्क हाँ हाँ और सो यहाँ बहुत अच्छा है इसीलिए है मतलब आपको दिमाग वाला लड़का चाहिए था और स्मार्ट भी चाहिए हाँ वो वाला बैठे है चीज बताइए आप भी इनके साथ काम करती हैं चाइना में या फिर आप कुछ और कर हैं घर पे रहती हैं कुछ और हम दोनों जालू हाँ साथ में साथ में है इसका पहले अपना काम था का, मेरा ट्रैवल का था तो फिर बाद में हम लोगों ने साथ में जो है बिजनेस अभी चालू किया वापस कब जाना है चाइना चाइना से वापस है जाना कब है कब ये वीजा है वीजा मिला है हो गया है हम निकाल लिया है निकले फैमिली वाले आपके खुश हैं खुश है तो बहुत खुशी है हाँ। हाँ। सब लोग खुश हो जाएंगे हमारे बिहार वाले भैया से शादी की है हाँ बहुत अच्छा है बढ़िया है प्रपोज कौन किया था मुझे लगता है आप ही की हो मुझे लगता है कि इसने पहले प्रपोज किया था लेकिन इसके मतलब आप इन इन मैंने पहले प्रपोज किया था लेकिन जहाँ तक आ, आ, अगर मैं जब बाद में अगर सोचता हूँ तो हाँ, मेरे से ही ज्यादा इनिशिएट था मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करेगी क्या नहीं तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसे समय दिया आप हमको इतने अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं कि आपके साथ कोई भी लड़के कंफर्टेबल रहे <laughs> चलिए मैं उतना तो अभी नहीं बता सकूंगा एक ये इनफ है प्रबोस्त लॉगो हुआ है नी मतलब इसके कहने का मतलब हुआ मेरे पति देव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आप लोग